शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिस इज आगा शरियर खान। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सीएसएस ब्रेनवी। एंड इन दिस वीकली न्यूज एनालिसिस, जो बच्चे मेरा इंट्रो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए, कि आई बिलोंग टू द 48 सीटीपी एंड करंटली एलोकेटेड इन पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एंड वर्किंग एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जर्नल इन एजी सिंध। Weekly news analysis basically a part of the whole series that we started last year. और उसमें ये था कि वो बच्चे कि जो because of job commitments या schedule की वजह से newspaper daily नहीं पढ़ पाते, उनके लिए week के आखिर में एक पूरा weekly news analysis किया जाए। और वो बच्चे जो news पढ़ते भी हैं but उसको retain नहीं कर पाते, उनके लिए भी एक वीकली न्यूज एनालिसिस किया जाए। और वो हमारे वो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के जो हमारे बैच का हिस्सा होते हैं, उनके लिए भी ये वीकली न्यूज एनालिसिस किया जाए, ताकि वो इससे पढ़कर अपने लेक्चर्स को, अपने नोट्स को अपडेट कर लें। जैसा कि मैं हर न्यूज वीक एनालिसिस में कहता हूँ कि ये सिर्फ न्यूज डिस्कशन नहीं होती, इसके ऊपर एनालिसिस भी होता है और फिर ये भी होता है कि इसको हम किन किन सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें इसको यूज करना चाहिए और हमें लाजमी करना चाहिए, और किन किन जगह के जो टॉपिक्स है उसमें हमारे नोट्स को हम अपडेट कर सकते हैं। सो लास्ट वीक में इतनी ज्यादा कोई हैपनिंग्स नहीं हुई। आप भी इसी मुल्क में रह रहे हैं, मैं भी इसी मुल्क में रह रहा हूँ, एंड वी हैव बीन रीडिंग फॉर द पास्ट 2 or 3 months ऑल अबाउट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। बट लास्ट वीक में इसी चीज के ऊपर जो एक है फाइनल कमिटमेंट हुई विद आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जो है उसके साथ इन कंसल्टेशन जो बजट था उसको लॉक किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट देखें तो हर हाल में आपको जून 28 जून 29 तक बजट को लॉक करना होता है, क्योंकि जून 30 को फिर क्लोजिंग होती है और जुलाई 1 से फिर नया बजट इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। तो आपको हर हाल में इस बजट को लॉक करना था, और लॉक भी उस तरह करना था कि आईएमएफ आपकी टर्म्स कंडीशंस के ऊपर एग्री हो, तभी जाके जो है वो आईएमएफ अपना जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसको जो है वो रिज्यूम करेगा, और वो रिज्यूम होगी तो बाकी चीजें भी जो है वो आपको बायलेटरल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म से फंड मिलेगा। तो उसी पैरामीटर में, उसी बैकड्रॉप में गवर्नमेंट ने अपने जो आईएमएफ के साथ इन कंसल्टेशन जो है वो बजट को लॉक किया, और इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस करनी जरूरी है, बिकॉज इट्स पुट बर्डन द लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी, इंडस्ट्रीज, सैलरीड क्लास, ईच एंड एवरी वन विल बी अफेक्टेड बाई दिस स्टेटिस्टिक्स, और इसके ऊपर ही फिर हम आगे जाके एनालिसिस करेंगे। अच्छा, कीपिंग इन व्यू ऑल दिस थिंग, आपको ये देखना चाहिए कि ये किन जो है सिचुएशन में ये चीज हो रही है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज यूक्रेन, और ये अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि किस सिचुएशन में रह रहे हैं हम और किस सिचुएशन में ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है, ताकि आप उन चीजों को भी इससे कनेक्ट कर पाए। पहली चीज जी, आप सब लोगों को पता है दैट अ वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। उससे हो क्या रहा है, उससे 2-3 चीजें हो रही हैं। सबसे पहली चीज, उससे ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, उससे कमोडिटीज प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, और उससे जो है वो फूड प्राइसेस या फूड इनसिक्योरिटी एक्सेसरेट या एक्सेजरेट, या फिर उसको ये कहना चाहिए कि इंटेंसिफाई होने का खतरा है, और हो भी रहा है, क्योंकि 60% या 70% वीट जो है वो यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है और बाकी रशिया एक्सपोर्ट करता है। तो उनके दरमियान की जो जंग है ना सिर्फ जो है वो फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा रही है, बल्कि दुनिया में एक तरह से जो है वो फूड क्राइसिस को भी ट्रिगर कर रही है। तो पहली चीज, और आपका मुल्क आपने देखा है कि हमने पिछले कुछ सालों से वीट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर, जो मैं अपने बैच में लेता हूं कि पाकिस्तान में किस तरह की फूड इनसिक्योरिटी है। तो ये चीज पाकिस्तान में भी आप इसका इंपैक्ट देख रहे हैं, ठीक है। एक तो ये बैकग्राउंड है, फिर दूसरी चीज आपके मुल्क में है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी।
ठीक है, यानी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को सस्टेन करने के लिए द वन थिंग यू रिक्वायर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो भी आपने देखा पिछले 6 महीने से हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं भी नजर नहीं आ रही, और फ्यूचर में जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी ब्लीक हैं एज फार एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज कंसर्न। दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट, द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर नॉट as much are not at that mark that we previously experienced history के अंदर, ठीक है ना। तो वो भी उस तरह के हमारे पास जो है वो relations नहीं है, ठीक है, वो भी थोड़े से इंप्रूव हुए हैं लेकिन अभी भी डाउनवर्ड स्पाइरल के अंदर ही मौजूद है। जब खान साहब की हुकूमत थी लास्ट में तो एट द लोएस्ट एप थे, बट अभी भी थोड़े से इंप्रूव हुए लेकिन इतने भी इंप्रूव नहीं हुए। यानी इसका क्या मतलब, इसकी एक जो लास्ट वीक में एक जो आई है हमारे पास एक इवेंट या एक हिंट कि हाँ जी रिलेशंस इंप्रूव होने जा रहे हैं, वो एफएटीएफ से पाकिस्तान का एग्जिट है। बट एनी हाउ अभी भी रिलेशंस इतने इंप्रूव्ड नहीं है। देयर इज नो डायरेक्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पिछले टेन्योर में जब से बाइडन आए अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो अगर यूएस के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है इसके पास, इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी आपको उस हद तक रिलीफ मिलने की जो है वो जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत लो है। और हम देख रहे हैं कि आईएमएफ केस में भी इसी तरह हो रहा है। सो इस सिचुएशन में हम पूरी चीज कर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इंटरनेशनली भी फूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यूएस के साथ रिलेशन हमारे अच्छे नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, हम आईएमएफ के साथ जो हमने फाइनल बजट को लॉक किया है ट्यूजडे या वेडनेसडे दिन वाले दिन, उसमें हमने जो भी रिलीफ, एक तो रिलीफ बहुत कम दिया था जब बजट की स्पीच भी हुई थी मिफ्ता इस्माइल की, तो आप सबने देखा था, और उन सब मेजर्स को भी हमने रिवर्स कर दिया है। बेसिकली वी सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ आईएमएफ। और वो क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेक्स्ट ईयर की कमिटमेंट है, पाकिस्तान नीड $37 बिलियन टू फाइनेंस इट्स डेट्स एंड अदर पेमेंट्स। ऑयल खरीदने की पेमेंट्स हैं, दूसरी पेमेंट्स हैं, इम्पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के सिर्फ इम्पोर्ट्स ही कोई 58-59 बिलियन डॉलर्स के हैं। फिर जो है वो आपके जो क्या कहते हैं उसको डेट फाइनेंसिंग है, उसके लिए आपको $37 बिलियन चाहिए, और उसमें आईएमएफ का पैकेज जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आईएमएफ आपको सैंक्शन दे देता है तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो इन सब को मद्देनजर देखते हुए अगेन द बर्डन हैज बीन पुट ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और वो क्या क्या चीजें की हैं उसको हम आइए वन बाय वन देखते हैं। वो सारी चीजें रिवर्स की हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूं या मैं इनके अगेंस्ट हूं, मैं सिर्फ एक एनालिसिस दे रहा हूं जो आप काफी टॉपिक्स पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, जैसे अभी आया था ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, तो ये तमाम पैरामीटर्स आप वहां पर भी कोट कर सकते हैं कि ऑल दो इन सब मेजर्स को इम्पोज करने के बाद जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं वो तो बेहतर हो जाएगी, जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है वो तो बेहतर हो जाएगा, बट एज फार एज द ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न, एज फार एज द इंडिविजुअल इज कंसर्न एंड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास इज कंसर्न, वो बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमें देखना है कि क्या सिर्फ हम स्टैटिस्टिक्स को देखकर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे या फिर जो है वाकई ग्राउंड पे कंडीशन देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये ऐसे भी आया है 2022 में, आपने देखा इससे पहले भी एक ऐसे आ चुका है कि द रियल डेवलपमेंट जो है वो ग्राउंड पर होती है, स्टैटिस्टिक्स में नहीं होती है। ये भी एक ऐसे आ चुका है 2016 के बाद से ही आया है ये ऐसे भी। तो इन ऐसे के जो पैरामीटर्स हैं उसमें भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन तमाम स्टैटिस्टिक्स को। फिर आईआर के बच्चे खास तौर पर, आईआर में अक्सर वो पूछता है कि आईएमएफ के बारे में या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि ये कैसे न्यू इंपीरियलिज्म का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी आप ये कोट कर सकते हैं कि बेसिकली दिस इंस्टीट्यूशंस जो है वो बैक क्या कहना चाहिए इसको, पर्दे के पीछे रह के आर्म ट्विस्टिंग कर रहे होते हैं, एंड बेसिकली दे आर स्टीयरिंग द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड दे आर कंट्रोलिंग द डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम जो है वो सामने से रहकर नहीं पीछे से रहकर जो है वो स्ट्रिंग्स को पुल कर रहे होते हैं बेसिकली। तो उसके अंदर भी आप ये चीजें यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं किया क्या गया।
ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए, कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर इसका जो इमीडिएट इंपैक्ट आया है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी पेट्रोलियम लेवी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 750 मिलियन रुपीज की बजट में पेट्रोलियम लेवी को इम्पोज किया था, और गवर्नमेंट ने IMF ने कहा था कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, 50 रुपीज जो है वो पेट्रोल के ऊपर बढ़ाए जाएंगे ग्रेजुअली, ठीक है, किसी महीने 5 रुपए बढ़ा देंगे, किसी महीने 10 रुपए बढ़ा देंगे, 15 रुपए बढ़ा देंगे, लेकिन 50 रुपीज आपने हर हाल में बढ़ाने हैं। ये गवर्नमेंट ने लॉक किया है, ये गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, ये गवर्नमेंट ने एग्री किया है विद द IMF। अब इससे क्या होगा, आप सबको पता है सिर्फ पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, सिर्फ पेट्रोल या ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, तमाम चीजों के ऊपर आएगा, कोई भी हाउस होल्ड यूटिलिटी है, कॉमोडिटीज है, पेरिशेबल आइटम्स है, ईच एंड एवरीथिंग की जो प्राइस है ऊपर जाएगी, और फिर इन्फ्लेशन भी इससे ऊपर चली जाएगी। फिर जी सैलरीड क्लास के लिए इसकी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, टैक्स कलेक्शन को रिवाइज किया गया, पॉवर्टी टैक्स लगाया गया, वन बाय वन हम जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले सैलरीड क्लास की बात कर लें, सैलरीड क्लास के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बजट में कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए तमाम के, चाहे वो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक जो है वो हम 15% सैलरी को इंक्रीज करें, ऑल्दो कीपिंग इन व्यू द इन्फ्लेशन जो कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा 11.2% इन्फ्लेशन का, जो कि ऐसी हरगिज नहीं है, अकॉर्डिंग टू IMF ये तकरीबन 12.5% से 13% रहेगी, तो इन्फ्लेशन को देखते हुए वो इंक्रीज बिल्कुल कंपेरेबल था, अगेन अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, आपने जो है बड़ी क्लास जो है वो सैलरीड क्लास है और उसको आप एक रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा मेजर था। इसी तरह गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि भाई वो लोग जो साल के 12 लाख रुपए कमाते हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं हुआ, यानी अगर आप महीने के 60,000 रुपए कमाते हैं, महीने के 70,000 रुपए कमाते हैं, महीने के 80,000 रुपए कमाते हैं, 90,000 रुपए कमाते हैं या लाख रुपए कमाते हैं, तो आपके ऊपर कोई टैक्स इंपोज नहीं होगा। अगेन अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी हो गई है कि आपको भी पता है कि 50-60 हज़ार रुपए में अगर आपका घर चल जाए और आपके जो ट्रांसपोर्ट के आने जाने का किराया लग जाए तो ये मोर देन इनफ है, अगर आपकी फैमिली में 2-3 लोग हैं तो, अगर इससे ज्यादा है तो मैनेज नहीं होगा, अगेन अ पॉजिटिव मेजर। लेकिन इन दोनों चीजों को रिवर्स कर दिया गया, 15% जो सैलरी इंक्रीज, अगेन ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ये आप चीजें नोट कर सकते हैं और इसको एज आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हैं कि अप्रोच क्या है। अच्छा, वो 15% जो इंक्रीज था वो भी खत्म किया, IMF ने बोला कि भाई ये जो आपका, आपने इसके लिए अलग से बजट रखा है इसको आप खत्म करें, और इसको जो है वो आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, फ्लड्स अगर आपके मुल्क में आ जाते हैं, टोरेंशियल रेन्स हो जाती हैं अगर आपके मुल्क में, और इस तरह की चीज हो जाती है तो आप ये बजट उसमें यूटिलाइज करिएगा, खत्म। दूसरी चीज क्या की गई कि वो जो 12 लाख तक महीने का, साल का कमा रहा है, यानी 60-70 हज़ार अगर महीने की कमा रहा है, 80 हज़ार कमा रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं था, अब उसके ऊपर भी टैक्स इंपोज कर दिया है। यानी अगर आपकी सालाना तनख्वाह 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है तो आप 2.5% टैक्स देंगे, यानी अगर आप महीने का 65,000 रुपए कमा रहे हैं इसका मतलब आप साल के 7.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर 20,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। 20,000 रुपए को अगर आप महीने में करें तो अगेन आपकी सैलरी जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 हज़ार रुपए महीने की कम हो गई, ठीक है ना। अगर आप 65,000 रुपए महीने के कमा रहे हैं तो आपको 20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा साल का, इसका मतलब तकरीबन 1.5 से 2 हज़ार रुपए आपकी सैलरी मजीद कम हो गई। एक तरफ इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है और एक तरफ आपके ऊपर मजीद जो है वो कॉमोडिटीज की प्राइसेस ऊपर जा रही है, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही है, और वहां से जो है वो आपकी सैलरी भी कम हो रही है बिकॉज ऑफ द न्यू टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। फिर क्या है जी, अगेन इसी तरह जो लोग जो है वो फॉर एग्जाम्पल 12 लाख से 24 लाख के दरमियान कमा रहे हैं उनके ऊपर 12.5% टैक्स लग गया, यानी अगर किसी की तनख्वाह 1,20,000-1,40,000 रुपए के दरमियान है तो उसके ऊपर सालाना तकरीबन 1,40,000 रुपए का टैक्स लग जाएगा, तो उसकी भी सैलरी जो है वो नीचे चली गई, ठीक है जी। और ये पूरे नए टैक्स स्लैब्स हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इससे जो है वो तकरीबन 47 बिलियन रुपीज का जो है वो टैक्स रिलीफ मिलेगा गवर्नमेंट को, स्टैटिस्टिक्स को, और जो है मैक्रो इकोनॉमिक के लेवल के ऊपर एक चीज आ जाएगी और IMF के साथ हो जाएगा, बट ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या होगा, मिडिल क्लास का क्या होगा, लोअर मिडिल क्लास का क्या होगा, जो है वो उसका कुछ नहीं कर सकते, उसकी प्रिडिक्शन अभी नीचे जाके करेंगे। फिर जी दूसरी चीज क्या की गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दूसरी चीज जो है वो यहाँ पर की जो इंट्रोड्यूस कराई गई वो है 10% सुपर टैक्स ऑन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना।
ऑलरेडी जो है वो लास्ट ईयर से 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि सीमेंट की प्राइस, स्टील की प्राइस, ऑटोमोटिव सेक्टर में गाड़ियों की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और उसके बावजूद एक सुपर टैक्स लगा दिया गया इंडस्ट्रीज के ऊपर। 10% सुपर टैक्स को कहा जा रहा है कि वन टाइम टैक्स है, वन टाइम होता है, अगले साल दोबारा लगाया जाता है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दी। और ये रेस 465 बिलियन रुपीज, आपने देखा कल, मेरे ख्याल में कल नहीं, फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो स्पीच की और जो है उन्होंने ये टैक्स इम्पोज किया। काजिम का सवाल है, पहले ले लेता हूँ। काजिम, काजिम कैसे फिक्स टैक्स रिसेंटली इंपोज ऑन एम्प्लॉयज डिफरेंट देन यूजुअल टैक्स दैट इज इंक्लूडिंग मंथली सैलरी, इसको चेंज किया गया। काजिम कह रहे हैं सर, जो हम पहले टैक्स देते थे और अभी टैक्स है वो एडिशन है या क्या है? जो हम पहले टैक्स देते थे ना, स्लैब्स चेंज किए गए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो था वो जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 12 लाख तक जो लोग कमाते हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं होगा, उसके ऊपर भी अब वो 6 लाख रुपए पे कर दिया कि 6 से 12 लाख के दरमियान जो कमाता है वो भी टैक्स देगा, और 12 से 24 लाख रुपए के दरमियान जो कमाता है उस टैक्स स्लैब्स को बढ़ा दिया गया। यानी अगर आप 6 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपके ऊपर तो वही है कि कोई टैक्स नहीं होगा, अगर आप 6 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि स्लैब्स चेंज हो गए, एडिशनल टैक्स नहीं है, उसी टैक्स की जो नंबर्स हैं उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, परसेंटेज को बढ़ा दिया गया है। फिर मैं बताता सुपर टैक्स, 10% सुपर टैक्स इम्पोज ऑन इंडस्ट्रीज, और उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट विल अर्न द रेवेन्यू ऑफ 465 बिलियन रुपीज। और उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी हैं जी, वो है 13 इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर्स, एलएनजी टर्मिनल्स, टेक्सटाइल्स, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, सिगरेट्स, बेवरेजेस, केमिकल्स एंड एयरलाइंस, ठीक है जी, इसको इम्पोज कर दिया गया। और ये एज फार एज स्लोगन इज कंसर्न, बहुत अच्छा स्लोगन है ये, देखे जी हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो टैक्स लगा दिया और उनको जो है वो उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया, एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर क्लास, इट इज बेनिफिट फॉर द मिडिल और लोअर मिडिल क्लास, और बड़ी जी बच्ची अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको भी पता है, ये भी पता है, इसे 2-3 इफेक्ट होंगे। सबसे पहले क्या होगा, इंडस्ट्रीज इस इम्पैक्ट को कंज्यूमर की तरफ ट्रांसफर कर देंगी, ठीक है, एट द एंड जो कंज्यूमर प्राइस है, जो कमोडिटी प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर जब वो देखेंगी कि हमारे प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो नीचे जा रहा है तो वो जो है वो साइजिंग करेंगी, ठीक है, डाउन साइजिंग करेंगी, राइट साइजिंग जिसको कहा जाता है वो करेंगी, यानी जो अपनी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज की फोर्स है, जो लेबर फोर्स है उसको राइट साइज किया जाएगा, यानी काफी लोगों को फिर निकाल दिया जाएगा और आपके मुल्क में फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तीसरी चीज, इन्वेस्टमेंट इससे नीचे जाएगी। आपने देखा जैसे ही ये मेजर जो है वो अनाउंस किया गया, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 4.81% नीचे आए, तकरीबन 2,500 पॉइंट जो है वो डायरेक्ट जो है वो नोज डाइव हुई आपकी स्टॉक एक्सचेंज। और उसकी वजह क्या थी कि अगर आप भी इन्वेस्टर्स हैं, मैं भी इन्वेस्टर हूं, और मैं देख रहा हूं कि भाई 10% सुपर टैक्स इंपोज कर दिया गया इंडस्ट्रीज के ऊपर, आगे आने वाले दिनों में उनका प्रॉफिट नीचे जाएगा, तो मैं फौरन पैसा वहां से निकाल लूंगा, मैं वहां पे मजीद पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं वहां पे मजीद पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और इसी चीज को जो है वो यहां पर जो है बोला भी, मैं यहाँ पे अगर आपको इस इमीडिएट अगर स्टेटमेंट दिखाऊं भी एंग्रो के, फॉर एग्जांपल, दिस कुड अफेक्ट इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट एज वेल, इन द वर्ड्स ऑफ गयास खान, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पावरफुल ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड एग्रो कॉर्पोरेशन, इम्पोजिंग ऑफ ए सुपर टैक्स ऑन इंडस्ट्रीज रिग्रेसिव एंड विल हैम्पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कर्ब मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। ही सेड पाकिस्तान नीड्स अ वाइडर टैक्स बेस थ्रू डॉक्यूमेंटेशन टैक्सिंग द अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी डेवलपमेंट। आपको पता था कि पिछले कुछ साल से द गवर्नमेंट ऑफ Pakistan, the state of Pakistan is focusing on industrialization either in the form of special economic zones or services sector, cement is construction sector ko jo humne jo hai wo ek package diya tha during the covid aur se jo hai growth kafi badi thi, to ye jo pura hamara ek process tha pichle 4-5 saalon se aur special economic zone wala aur jo industrialization wala usko bhi ye cheez jo hai wo impact karegi, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी ऑटोमोबाइल सेक्टर को, और खास तौर पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आपके मुल्क में वो भी इंपैक्ट करेगा। देखिए ना, जब
इसको थोड़ा सा मैं रोक के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ऑल दो आई कैन फील दैट इट इज अ ड्राई टॉपिक, बट एनी हाउ इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल देके इंटरेस्टिंग भी बनाऊ. 2018 में जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी तो वहां पर एक बहुत अच्छी चीज हुई थी. एहसन इकबाल उस वक्त भी प्लानिंग के मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ऑटोमोबाइल पॉलिसी लेकर आए पाकिस्तान की कि भाई ऑटोमोबाइल पॉलिसीज, और उसको जो है बड़ा सपोर्ट किया, बड़ी टैक्स कट्स दिए, ठीक है ना. और उसकी वजह से आपने देखा कि और उस वक्त जो है ग्रोथ भी तकरीबन 6% में पहुंच चुकी थी. मिडिल क्लास जो है, सुने सुने, मिडिल क्लास जो है ऊपर जा रही थी, जो आपकी इनकम है वो भी ऊपर जा रही थी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी ऊपर जा रहा था, और ऑटोमोबाइल की डिमांड भी पाकिस्तान में बढ़ रही थी गाड़ियों की, और ऑटोमोबाइल पॉलिसी भी दी गई. तो देखा आपने बहुत सारे मुल्कों के ऑटोमोबाइल्स कंपनीज जो आई, किया मोटर्स आई साउथ कोरिया की, चेंगान आई चाइना की, आपने देखा कि जो है वो, आपने देखा कि जो है वो MG आई, ठीक है, MG मोटर्स आई आपके मुल्क में. एक टाइम ऐसा था कि Volkswagen भी सोच रही थी आने का, ऑडी भी सोच रही थी आने का. इसके अलावा काफी ब्रांड है, ठीक है, मलेशियन कार मैन्युफैक्चरर्स आए अपनी जगह. अब आपने क्या किया कि 4-5 साल में आपने मेजर शिफ्ट लिया, आपने ऑटोमोबाइल के ऊपर टैक्स भी बढ़ा दिया. अगेन आपने 2021-22 में आके आपने सुपर टैक्स इम्पोज कर दिया. तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक सेंटिमेंट होता है कि यार यहाँ पे तो बड़ी एक इनस्टेबल माहौल है, दो तीन चीजों की वजह से. एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं है, दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है वो एक स्टेबल नहीं है. कहाँ पे आप 3 महीने पहले की बात करें जब ये गवर्नमेंट गई थी तो अराउंड 175 पे था ना डॉलर, आज 200+ के ऊपर डॉलर है. एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या होगा, गाड़ी की प्राइस बढ़ जाएगी. तो यार इनके मुल्क में एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, टैक्सेस जो है उसका पता नहीं चलता. जो गवर्नमेंट आती है सुपर टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स इम्पोज कर जाती, होगा क्या, एट द एंड उनको पता है ये टैक्सेस करने के बाद से क्योंकि गाड़ी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो ये बात नेचुरल है दैट द डिमांड विल गो डाउन. डिमांड क्या जाएगी, नीचे जाएगी. जब किसी चीज के आप प्राइसेस ऊपर जाओगे तो जाहिर बात है वो डिमांड नीचे चली जाएगी. दोनों सूरत हाल में पेट्रोल के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, जाहिर बात है एक आम मिडिल क्लास बंदा जो गाड़ी का सोच रहा था, एक तो चलो वो गाड़ी ले भी ले किसी भी तरह 30 लाख रुपए जमा करके, पेट्रोल के पैसे कहां से भरे डेली की बेसिस के, तो दोनों सूरत हाल में गाड़ी की प्राइसेस नीचे जाएगी. यानी वो इन्वेस्टर जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की आपके मुल्क में, वो तो परेशान होगा ना, वो परेशान होगा, उसका सेंटिमेंट भी हर्ट होगा, और उसको देखकर जो दूसरे इन्वेस्टर्स जो आपके मुल्क में आना चाहते हैं वो दो दफा सोचेंगे कि इनके मुल्क में जाना चाहिए ना जाना चाहिए. और इससे ओवरऑल इंपैक्ट क्या आएगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे चली जाएगी, ठीक है. तो ये जो सुपर टैक्स लगाया है ये देखने में तो बड़ा अच्छा है, एक शुगर कोटेड टैक्स है, और नारे में भी बड़ा अच्छा है, जलसे जुलूसों के लिए बड़ा अच्छा है, गरीब को वोटिंग के लिए बुलाने के लिए बड़ा अच्छा है, बट इन रियल टर्म्स इट विल अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इट विल अफेक्ट द एम्प्लॉई एज वेल, द लोअर क्लास एज वेल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल. इसको जरा दोबारा देखना चाहिए, बट देखने का अब टाइम ही नहीं क्योंकि आपने लॉक कर दिया है. फिर इसके बाद क्या किया गया जी, टैक्स कलेक्शन को रिवाइज किया गया, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह उनको रिवाइज किया गया. जो सैलरी वैलरी बढ़ाई थी खत्म कर गई, 50 पर लीटर लेवी भी लगाई गई, ये भी मैंने आपको बता दिया. इसके अलावा जी एक पुअर्टी एलिवेशन टैक्स लगाया, अगेन ये बोला गया कि हाई इनकम के जो लोग हैं उनके ऊपर इम्पोज किया गया है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स उनके ऊपर इम्पोज किया गया है, यानी जिसकी तनख्वाह तकरीबन 150 मिलियन के करीब है, तकरीबन 1.5 करोड़ सालाना है उसके, उसके ऊपर 1%, जिसकी 200 मिलियन है उसके ऊपर 2%, जिसकी 250 मिलियन उसके 3%, और ये 300 मिलियन है उसके 4%. और सर्टेन एक्सटेंट जो है वो सही है, लेकिन अगेन दो तरफ से आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो इन सर्कल करने की कोशिश की है, एक तो उनकी पर्सनल इनकम पे टैक्स लगाया और इंडस्ट्री के ऊपर सुपर टैक्स इम्पोज किया 10%. क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो आगे कैरी ऑन कर देंगे, पास ऑन कर देंगे ये इफेक्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर और कंज्यूमर्स के ऊपर, एट द एंड वो करेंगे. अच्छा, एक चीज जो अच्छी हुई वो भी थोड़ा सा बता देना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब जो है वो चीजें गलत हुई है. एक चीज जो इसके अंदर अच्छी हुई है वो है जी हमारे पास ये फिक्स टैक्स फॉर रिटेलर्स. ऑल्दो अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, बट एनी हाउ इसका इम्पैक्ट भी जो है वो आम बंदे पर ही आएगा.
लेकिन हमारी इकोनॉमी का 36% इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रे इकोनॉमी है, जिसको टेक्निकल वर्ड्स में इनफॉर्मल इकोनॉमी भी कहा जाता है, यानी वो इकोनॉमी जो पाकिस्तान के टैक्स नेट स्ट्रक्चर से बाहर, यानी आप घर के बाहर जाए तो आपको छोटी छोटी दुकानें नजर आएंगी, बार्बर शॉप नजर आएंगी, रियल इस्टेट्स की जो है छोटे ऑफिस नजर आएंगे, ब्यूटी पार्लर्स नजर आएंगे, सैलून्स नजर आएंगे, ठीक है, छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर्स या क्लिनिक्स नजर आएंगे, ये सब टैक्स नेट से बाहर है। तो इनको टैक्स नेट में लाने के लिए गवर्नमेंट ने फिक्स टैक्स स्लैब्स या फिक्स टैक्स फॉर रिटेलर्स इंट्रोड्यूस कराया, और उस स्कीम के अकॉर्डिंग ये जो छोटे दुकानदार है उनको जो है वो महीने का जो है वो 3,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, और जो जो मिडिल साइज के हैं या थोड़े से बड़े दुकानदार हैं उनको महीने के 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो इस चीज को जो है वो पास ऑन कर देंगे, लेकिन इनको कोशिश की गई है कि टैक्स जो है वो नेट में लेकर आया जाए। इसके अलावा अगेन कुछ ऐसे मेजर्स जिससे अवाम हर्ट होगी या इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, 20% इंक्रीज इन पावर टैरिफ, बिजली की प्राइस 20% बढ़ा दी गई, डेवलपमेंट यानी जो डेवलपमेंट होती है चाहे वो पीएसडीपी और दूसरे सेक्टर में डेवलपमेंट हो जिससे ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती है, जीडीपी ग्रो करती है, बेहतरी आती है, उसके अंदर 11% कट, हेल्थ के अंदर 31% कट किया गया, हायर एजुकेशन में 1.5% कट, हाउसिंग के अंदर 77% कट, और नो इंक्रीज इन सैलरीज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक तरफ इम्पोज कर रहे हैं टैक्स, ऊपर से जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, सोशल वेलफेयर में कट हो रही है। एहसास प्रोग्राम का क्या होगा, हालांकि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है, पाकिस्तान डिस्पाइट द डेवलपिंग कंट्रीज और की वजह के बावजूद जो है एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था प्रीवियस गवर्नमेंट का, वो था हेल्थ इंश्योरेंस, उसका क्या होगा, 10 लाख रुपीज की हेल्थ इंश्योरेंस, 1 मिलियन रुपीज की हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल एज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, उसका क्या बनेगा, ठीक है, एहसास प्रोग्राम का क्या बनेगा, दूसरी चीजों का क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जो है जो रिलीफ दे भी रहे थे वो भी दे दिया, तो एहसास प्रोग्राम जो बिलियन रुपीज का प्रोजेक्ट है या तो हेल्थ इंश्योरेंस जो बिलियन रुपीज के, वो तो आप दे ही नहीं सकते, बिकॉज इस टाइम के ऊपर सॉरी टू से दैट बट आई एम यूजिंग द वर्ड, वो होता है ना बनाना रिपब्लिक बोल दें, या के सिर्फ जो है गवर्नमेंट इज रबर स्टैंपिंग कर रही, ठीक है ना, कि भाई सिर्फ वी वॉन्ट द रिलीफ फ्रॉम IMF एंड वी हैव टू डू वॉट एवर वी कैन and whatever is suggested by the IMF, बस इसके अलावा ना मैन्यूवरिंग की कोई गुंजाइश है, ना पॉलिसी मेकिंग की कोई गुंजाइश है, और ना जो है वो इस गवर्नमेंट के पीछे अवाम का मैंडेट है, क्योंकि अवाम के मैंडेट से तो नहीं आया ना, ये तो एक टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आए हैं, अवाम का मैंडेट तो किसी और के पास था, उस तरीके से आए हैं, और ना इनके पास इतना टाइम है कि वो के इम्पोज करें या बात करें या कुछ करें, तो इनकी भी गलती नहीं है, ये भी फंस गए आकर, ठीक है ना, कि यार अब क्या करें, पहले सोचना चाहिए था कि आना है या नहीं आना, जो गवर्नमेंट चल रही है एक जैसी भी थी चल रही थी, एक स्टेबिलिटी थी, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, 1.5 साल निकालने देते फिर आप मैंडेट लेकर आ जाते, तो अगेन ये इसके ऊपर फिर डेमोक्रेसी के ऊपर डिबेट चली जाएगी, और फिर डिफरेंट पावर सेंटर्स की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे मुल्क में एक पावर सेंटर नहीं है, मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, एक पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है, मल्टीपल पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, इट्स ऑल अबाउट सिविलियन और नॉन सिविलियन फोर्सेज भी हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी है, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो हमेशा जो लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं, चाहे वो 58 56 में या 50s की बात कर लें, चाहे वो लियाकत अली खान की असैसिनेशन हो, चाहे वो जो है वो 77 में जैद भुट्टो के जो है वो आपने द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान उनकी जो है वो कैपिटल पनिशमेंट हो, फिर जो है वो 77 में आपने फिर देखा कि जियाउल हक का जो है वो जब काम खत्म हो गया तो उनकी जो है वो एक तरह से टू अ सर्टेन एक्शन कहा जाता है, एक्सीडेंट नहीं था वो भी मर्डर था, फिर जो है आपने देखा कि 99 में अगेन 98 99 में जब मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, अगेन एक डेवलपमेंट पे जा रहा था, वहां पर अगेन उनको निकाला गया, किस तरीके से निकाला गया वो हो, ठीक है, फिर इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे जो है वो लाहौर तक आ गए थे वाजपेयी, और फिर उसके बाद से क्या हुआ आपने देखा, फिर
अगेन एनआरओ और ये वो, फिर 2008 में इतने डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस PPP की हुकूमत ने निकाला, फिर नवाज शरीफ साहब आए 6% ग्रोथ, फिर 2018 में आपने देखा कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सैक किया गया, ठीक है किसी भी चीज के ऊपर था, बट अगेन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। फिर 2018 के बाद से इतनी मुश्किल से पाकिस्तान का जो शिप है उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया, कोविड आया, क्राइसिस आया, और जैसे ही स्टेबिलिटी के ऊपर गए, हम 5.5-6% ग्रोथ के ऊपर गए, अगेन ठक करके जो है वही चीज रिपीट की गई जो राइट फ्रॉम द स्टार्ट रिपीट होती चली जा रही है कि जब काम निकल जाए तो फिर उसको साइडलाइन कर दिया जाए। स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोग्रेस जो है वो, डेवलपमेंट उसका क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। इंडिया को से हम कंपेयर करते हैं, इंडिया में ये चीज नहीं है, इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चाहे उनकी गवर्नमेंट से एग्री करें ना करें, नरेंद्र मोदी को आप अच्छा माने नहीं माने, वहां पर एक गवर्नमेंट जीतती है तो दूसरा गवर्नमेंट, दूसरा अपोजिशन वाले बोलते हैं ठीक है जी, वेल डन, कॉन्ग्रेट्स, और फिर वो 4-5 साल का इंतजार करते हैं। फिर जो है वो, आपको याद हो नरेंद्र मोदी ने काफी ऐसे डिसीजंस लिए जिसमें इंडिया में एक बड़ा एक ट्रिगर किया गया, चाहे वो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर पे टैक्स हो, या जो उनकी डिमोनिटाइजेशन की स्कीम थी, लाखों लोगों को इफेक्ट की गई, करोड़ों लोगों को इफेक्ट की गई, बट कहीं पर ऐसी बात नहीं आई कि भाई कोई इसको निकाल के दूसरा बंदा ले आते हैं, ये तो अजीब बंदा है, ठीक है, कहीं पर नहीं हुआ। क्रिटिसाइज किया गया, हर चीज को क्रिटिसाइज किया, प्रोटेस्ट हुए पंजाब में, प्रोटेस्ट हुए हर जगह, प्रोटेस्ट हुए, बट क्या हुआ, द इलेक्शन विल डिसाइड, एंड इलेक्शन में अगेन ही स्विप द इलेक्शन, और फिर वो दोबारा आ गए, ठीक है अगर लोगों को देना है वोट वो देंगे, नहीं देना तो लोग निकाल देंगे। ये कहीं पर भी नहीं हुआ कि भाई चलो जी इन हाउस चेंज, और इस तरह चेंज, और जो है वो केसेस बनाकर और इस तरह चेंज कर दिया, तो देयर इज अ डिफरेंस, दैट इज व्हाई वी लैग बिहाइंड एज फार एज द रीजन इज कंसर्न। बांग्लादेश में भी अगर आप देखें, बांग्लादेश नाउ 46% वेल्थियर देन पाकिस्तान, वजह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, रिपीटेड नेचर है ना वहां पर, के रिपीटेबिलिटी है, हर एक को पता है कि भाई रिपीटेड रिपीटेबिलिटी है, ये गवर्नमेंट जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, फिर 4-5, हमारे 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 पास अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उन मुल्कों में प्रिडिक्टेबिलिटी है, ठीक है गवर्नमेंट जा रही है 5 साल बाद आएगी, फिर दूसरी गवर्नमेंट 4-5 साल बाद है, हमारे मुल्क में अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अभी आप और मैं यहाँ पे कितने बच्चे मौजूद है, 25-30 बच्चे मौजूद हैं, इनमें से एक बच्चा अभी ये बात कंफर्मेशन से नहीं कह सकता कि जो नया सेटअप आया पाकिस्तान में क्या वो 1.5 साल रहेगा, नो वन कैन से दिस विद श्योरिटी, क्या वो 1.5 साल रहेगा हमें नहीं पता, ठीक है ना, इवन 1.5 साल के लिए आया है इसमें भी हम श्योर नहीं है कि वो 1.5 साल के लिए रहेगा नहीं रहेगा, फिर जो है अगर इंटरिम सेटअप आ जाए तो फिर एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कि इंटरिम सेटअप तो डिसीजन ही नहीं ले सकता, उसके पास वो पावर ही नहीं होती, वो सपोर्ट ही नहीं होती, वो लेजिटिमिटी नहीं होती, या फिर जो 2023 में या 22 में इलेक्शन होते हैं, जो न्यू सेटअप आएगा क्या वो चलेगा, क्या उसके ऊपर स्टेबिलिटी होगी, या उसके आते के साथ ही फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी कि कब जाएगा कब नहीं जाएगा। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो अगेन जैसा कि हम 13 दफा 14 दफा IMF के दरवाजे पे जा चुके हैं, 15-16 दफा दोबारा जाएंगे, इससे हमारी सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, सब चीज जो है वो हर्ट हो रहा है, और वो यूं ही हर्ट होता रहेगा। तो इसके अंदर आपने ये चीजें करनी है जो मैंने आपको बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो, सॉवरेनिटी हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सब चीजें आपस में लिंक्ड है, और सब चीजों में आप ये चीज जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछें जी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अच्छा इसमें एक और बात याद रखिए कि आई एम नॉट ओनली क्रिटिसाइजिंग नॉन सिविलियन फोर्सेस, हमारी सिविलियन फोर्सेस की भी गलती है, ठीक है ना, कि देर इज नो नीड इस टाइम पे ऊपर, देर वॉज नो नीड टू कम इन इन द पावर फॉर द पोजिशन एज वेल, कोई जरूरत नहीं थी पावर में आने के लिए, अनटिल एंड अनलेस कोई और दूसरे मोटिव ना हो, बट इस टाइम पे कोई जरूरत नहीं, बट अगेन उन्होंने ही काम किया। मैं यही तो कह रहा हूँ, फरियाल का सवाल है, एक सवाल है जिसके ऊपर आजकल टीवी में काफी डिबेट हो रही है, और टीवी में काफी जो है उसके ऊपर बहस होती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, कि सर प्लीज कंफर्म दैट द करंट हाइक इन द प्राइसेस एंड अदर कमोडिटीज विद हाई इन्फ्लेशन रेट इज अ रिजल्ट ऑफ द पीटीआई आईएमएफ डील्स और द इनकमबेंट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज आर रिस्पॉन्सिबल। देखिए इसके अंदर दो चीजें, पहली बात मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इंटरनेशनल सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर सिर्फ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल
एक फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यूक्रेन वॉर, ऑयल प्राइसेस, कॉमोडिटी प्राइसेस, फिर पाकिस्तान के रिलेशंस ग्रेट पावर्स के साथ वो भी मैटर कर रहे हैं, आपके इंटरनल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ये भी जो है वो रोल प्ले कर रही है। ये पहली बात याद रखिएगा कि कौन से फैक्टर्स इन प्ले। दूसरी चीज ये है कि यार उनकी वजह से हुआ या हमारी वजह से हुआ, इसका सिंपल आंसर ये है कि देखिए मैं अगर एक चीज चला रहा हूं ना, मुझे जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये अकेडमी है, अब मुझे पता है कि मैंने जो है वो 3-4 दिन मैंने 1 हफ्ते पहले करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का बैच निकाला है, मुझे पता है कि मैंने अगस्त में जो है वो जुलाई में या अगस्त में जो है जुलाई आ रहा है, जुलाई में मैंने कौन से बैच अनाउंस करने हैं और मैंने उसकी फीस क्या रखनी है, और इसको छोड़ के मैंने अगस्त में फिर कौन से बैच अनाउंस करने हैं, तो मेरी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, ठीक है ना। तो इसी तरह वो जो प्रीवियस सेटअप था, उन्होंने जो भी डील की थी आईएमएफ के साथ और उन्होंने ऑयल प्राइसेस को आर्टिफिशियली नीचे रखा था, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, 15-20 रुपए की सब्सिडी दे रहे थे, तो आर्टिफिशियली उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, तो उनके पास भी एक अप्रोच तो होगी ना कि भाई उनको भी पता था कि हम अभी तो नहीं जाने वाले, हम 1.5 साल के बाद जाएंगे ना, तो उनके पास एक अप्रोच होगी, ठीक है अभी हमने आर्टिफिशियली नीचे रखा हुआ है तो बाद में जो इफेक्ट आएगा उससे हमें किस तरह जो है वो कोप अप करना है। कोविड में भी तो किया था ना, कोविड में जहां पे पूरी दुनिया में तहस नहस हो गया, चाहे वो इंडिया हो चाहे यूएस हो, आपकी गवर्नमेंट ने वहां पर भी तो एक कंट्रोल किया ना, ना ना सिर्फ कोविड के रेट को कंट्रोल किया बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल किया, प्राइसेस को भी कंट्रोल किया जितना कर सकते थे। तो उनके पास एक प्लान होगा कि भाई ऑयल प्राइसेस को किस तरह डील करना है, कॉमोडिटी प्राइसेस को किस तरह डील करना है, दूसरी चीजों को किस तरह डील करना है, ठीक है ना, उनके पास एक प्लान होगा। जाहिर बात है उनको भी तो अगले साल वोट लेने थे ना, ऐसा तो नहीं है कि वो एक ऐसी पार्टी है या ऐसे लोगों की गवर्नमेंट थी कि भाई खत्म और भाग जाएंगे, नहीं ना, उनको भी तो 2023 में इलेक्शन लड़ना था, तो उनके पास प्लान। अब आपने क्या किया या क्या हुआ, हुआ ये कि वो एक चीज जो है वहीं पर स्टॉप कर दी गई, स्टॉप करके वो जो गवर्नमेंट ने जो मुश्किल डिसीजंस लिए थे, जो आर्टिफिशियली प्राइसेस को नीचे लाया हुआ था, उनको हटा दिया और नए सेटअप को लिया है। अब जो नए सेटअप लेकर आए उनके पास तो पॉलिसी नहीं थी, उन्होंने तो ये चीज नहीं थी या उनकी पॉलिसीज तो ये चीज नहीं थी, उनके लिए तो एक जो है उस क्राइसिस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया कि यार ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी इन्होंने पता नहीं क्या चीजें की हुई, इनका तो प्लान ही अलग है, इनके प्लान ही डिफरेंट थे, वो चीजें हम कर नहीं सकते। अब वो चीजें वो कर नहीं सकते थे, इनके प्लान वो थे नहीं पिछली गवर्नमेंट के, तो अब इनको सिर्फ क्या करना पड़ा, इनको जो है वो स्टैम्प करनी पड़ी, साइन करना पड़ा और सरेंडर करना पड़ा आईएमएफ के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस गवर्नमेंट की गलती है, मैं तो अभी आपको बोला कि इस गवर्नमेंट इस नए सेटअप की सबसे बड़ी गलती अगर आप मुझसे पूछे ना वो ये है कि इनको आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना, इस वक्त, क्योंकि ये एक बड़ा एक सेंसिटिव मरहला था। पीटीआई ने बड़ा एक जो है वो आर्टिफिशियली प्राइस कंट्रोल किया हुआ था, ये वो था जुलाई अगस्त सितंबर वाले महीने या ये कुछ महीने जिसमें उनको भी कुछ मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते, या ये क्वेश्चन मार्क था कि वो किस तरह यहाँ से मिन्यूवर करके निकलेंगे, और उन्होंने बड़े सेंसिटिव टाइम के ऊपर आकर और वो शायद डिसीजंस जो उन्होंने लेने होते या वो देखते कि वो क्या करते, आके उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही जो है वो सरेंडर किया और वो डील्स कर दी और अपने आप को भी फंसा दिया, अपना वोटिंग जो है वो बैंक जो है उसको भी नीचे ले गए और जो है लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर, ठीक है। तो इनकी विचारों की भी गलती नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है ना, उनको पता था कि हमने किस तरह निकलना है, 4-5 साल से करे हुए थे जो है वो ऑयल्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि ऑयल प्राइसेस की अगर आप बात कर लें तो उनके पास क्या प्लान था, वो कहते थे कि भाई हमने आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ है 15-16-19 रुपए, फिर हमारा ये प्लान था कि हम जून या जुलाई में रशिया से 15-20% कम के ऊपर ऑयल जो है वो मंगवा लेंगे और जो हमने प्राइस को कंट्रोल किया आर्टिफिशियली उसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे और इतना नहीं बढ़ाएंगे जितना बढ़ाना था। और उन्होंने आपने देखा कि हमाद अजहर जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे या फाइनेंसिस को डील कर रहे थे, उन्होंने लेटर भी लिखा था रशिया को कि भाई हमें आपके ऑयल की जरूरत है और विजिट भी हुआ, बट यहाँ पे जब टेन्योर आया यहाँ पे तो रशिया की बात ही नहीं थी कि वो पूरा एक पॉलिसी डिफरेंट है, तो वो आपको जो है वो वहां पे क्राइसिस को देखना पड़ा और क्राइसिस से डील करना पड़ा। अगेन इससे क्या, सिर्फ एक चीज की वजह से ये पूरा केओस जनरेट हुआ है, वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। 3 महीने का गैप आप लेकर आए जिसमें कोई गवर्नमेंट नहीं थी, अभी भी पंजाब में कोई गवर्नमेंट नहीं, ठीक है ना, पता भी नहीं है कि ये जो अभी भी गवर्नमेंट का जो पाकिस्तान का 60% हिस्सा है वो केस जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि जी हमजा शहबाज की जो गवर्नमेंट है उसका क्या बनेगा, या जो अभी बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें अगर आप देखें पीएमएलएन ने सीट्स नहीं ली तो 65% में फिर हुकूमत खत्म हो जाएगी, फिर जो है वो दोबारा केओस, फिर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा, फिर कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा नहीं, 60% पाकिस्तान में तो आपका केओस चल रहा है इस टाइम।
जहां पे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं। देखिए अच्छी थी बुरी थी इसका फैसला जो है वो इलेक्शन में हो जाता, ठीक है ना, एट द एंड टाइम जो इलेक्शन में होता है उसका फैसला हो जाता। बट ये जो क्योस किया गया ना 3-4 महीने में, जहां पर इतनी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई कि सब चीजें नीचे चली गई और फिर इस तरह का बजट और इस तरह का IMF का पैकेज, तो जो है वो अवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। चलें जी इसको यहीं पर रखते हैं, आप लोग जो है वो अच्छा एक और बात, हमारा अभी करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का बैच स्टार्ट हो चुका है, 4 क्लासेस हुई है सो फार, इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन द सेशन एज वेल तो उसको ज्वाइन करें। उसके पहली कुछ क्लासेस में हमने इकोनॉमिक सर्वे, बजट, मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस, टैक्स टू GDP रेशियो, एक्सपोर्ट्स को डिस्कस किया, अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मंडे वाली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्लासेस आपकी मिस हुई है वो जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म की सूरत में दे दी जाएंगी। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट वीक, टिल देन हाउ टू ज्वाइन द क्लासेस सर, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा, मैं बता देता हूँ। मैंने हमेशा बोला कि हमारी वेबसाइट है, आप उसके ऊपर चले जाएं, वहां भी कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, या ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें अपना नाम और जो भी आपको जो है वो इन्फो चाहिए वो बता दें। मैं वेबसाइट भी यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ, आप वेबसाइट पे जाएं, अगेन वहां पे आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट वीक, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।